जब महादेव ने सती के विरह में भस्म लगाकर जोड़ा खुद को मृत आत्मा से। भगवान शिव, जिन्हें त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, शिवजी के केवल नाम मात्र से ही इंसान जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान भोलेनाथ का एक रूप अघोरी भी है, जिसे उनका बेहद ही खूबसूरत रूप माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव गले में सांप धारण कर जटाओं में गंगा और चंद्रमा को धारण किए शरीर पर भस्म लगाकर शमशान में बैठे रहते हैं। लेकिन क्या आप शिवजी के शरीर पर भस्म लगाने का कारण क्या है, ये जानते हैं? आखिर क्यों पसंद है शिवजी को ये रूप? आखिर वे अपने शरीर पर चिता की भस्म ही क्यों लगाते हैं? क्यों वे भांग धतूरे के नशे में मदमस्त होकर घूमते हैं? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव का हर रूप अति मनमोहक तथा बेहद निराला है, लेकिन उनका अघोरी रूप उन्हें सबसे बेहद ही अलग और खास बनाता है। वे जितने जटिल हैं उतने सरल भी हैं। वे भीषण रूप से क्रोधित होने वाले भी हैं और सबसे भावुक प्रेमी भी हैं। शिव वैराग्य जीवन के साथ साथ अपने दाम्पत्य जीवन को भी निभाते हैं, लेकिन भस्म लगाने के पीछे का कारण उनकी पत्नी सती के प्रति उनका अनंत प्रेम है। दरअसल एक बार माता सती भोलेनाथ के साथ कैलाश में बैठी थी, तभी आसमान से उन्हें कई देवी देवता जाते हुए दिखाई दिए। माता सती ने शिवजी से इसके बारे में पूछा तो शिवजी ने उत्तर देते हुए कहा कि आपके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है। ये सुनकर सती माता को पिता के घर में जाने की इच्छा हुई, परंतु शिव को आमंत्रण नहीं था, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। शिव ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी, अंततः वहां चली गईं। वहां पहुंचते ही उन्हें शिव का यज्ञ भाग नहीं दिखाई दिया। तत्पश्चात उनके पिता दक्ष प्रजापति ने अनेक दुर्वचनों से शिवजी का अपमान किया। अपने पति के लिए अपमानजनक बातें देवी से सहन नहीं हुई और उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया। उधर जब शिवजी को इस बात का पता चला तो वे बेहद क्रोधित हो गए और उनके शव को लेकर वियोग कर भटकने लगे। शिव की स्थिति को देख विष्णु जी ने सती के मृत शरीर को भस्म में परिवर्तित कर दिया। तब पत्नी वियोग में तड़प रहे शिव ने इस भस्म को अपने शरीर पर लगाया, ताकि माता सती इन कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। तभी से शिव जी चिता की भस्म को अपने शरीर पर लगाकर खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही सच्ची तथा रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक